हेलो, हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सेकेंड ईयर सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स नंबर 201, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मैं हूं आकाश खंडेलवाल, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सवाई माधोपुर। तो आज हम डिस्कस करेंगे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ स्ट्रेस और स्ट्रेन को डील करता है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रेस, मैंने जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था, किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई होता है तो उसमें डिफॉर्मेशंस आते हैं, तो डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ होती है वो तो स्ट्रेन होता है, और उसकी वजह से जो उसमें इंटरनल रिएक्शंस जनरेट होती है, तो इंटरनल रिएक्शन एक उसके क्रॉस सेक्शन पर यूनिफॉर्मली डिवाइड हो जाती है। जो इंटरनल रिएक्शन होती है वो स्ट्रेस होती है, यानी कि जो स्ट्रेस है वो एक्सटर्नली अप्लाइड लोड की वजह से जो उसमें डिफॉर्मेशंस आते हैं उसको रसिस्ट भी करता है। एक्सटर्नल अप्लाइड लोड तो उसमें डिफॉर्मेशंस लाने की कोशिश करेगा, और जो उसमें इंटरनल स्ट्रेस जनरेट होता है वो उस डिफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश करेगा। तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन होते हैं। अब एज पर हुक्स लॉ, क्योंकि ये लॉ हुक नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था इसलिए इसका नाम हुक्स लॉ है। तो जो हुक था उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, उस एक्सपेरिमेंट में उसने देखा कि एक लिमिट तक अगर मैं स्ट्रेस लगाता हूँ तो स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि स्ट्रेस बढ़ेगा तो उसी प्रोपोर्शनलिटी में स्ट्रेन भी इंक्रीज होंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ ग्राफ से शो किया हुआ है। तो स्ट्रेस वाई एक्सिस पे, स्ट्रेन एक्स एक्सिस पे, तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का जो कर्व है ये एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होगा। अगर इस इलास्टिक लिमिट से अगर मैं बाहर ड्रॉ करूँगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ना होकर या तो ये ऊपर की साइड शिफ्ट करेगा या फिर ये नीचे की साइड बेंड करेगा। तो एज पर द हुक्स लॉ, हुक्स ने जो एक्सपेरिमेंट में देखा, उसने ये देखा कि स्ट्रेस डायरेक्टली स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। तो स्ट्रेस को हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया और स्ट्रेन को हमने एप्साइलन से, ये ई जैसा जो दिख रहा है ये स्ट्रेन है, यानी एप्साइलन बोलते हैं इसको। स्ट्रेस इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस है स्ट्रेन के समानुपाती है। अब कोई भी डायरेक्ट जो प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है उसको अगर आप इक्वल करना है तो इक्वल करने के लिए उसमें एक कांस्टेंट होता है, वो आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन, जहाँ पर ई है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए आपको ई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ई होता है जो ई है ई ही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है, या इसे हुक्स कांस्टेंट भी बोलते हैं क्योंकि हुक्स लॉ में हम इसको डराइव कर रहे हैं इसलिए हुक्स कांस्टेंट हुआ। तो ई होता है वो जनरली मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है। अब आप एप्सिलॉन को सिग्मा के नीचे लेके जाएंगे तो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यहाँ पर सॉरी मिस्टेक है, ये एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन दिस इज स्ट्रेन। तो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यानी ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो हुक्स लॉ एक सिंपल लॉ है जिसमें हुक्स ने ये एक्सपेरिमेंट से ये पता किया कि स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस हमेशा स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई। अब आप इसमें देखेंगे ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा की यूनिट होती है और जो एप्सिलॉन स्ट्रेन है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो ई की जो यूनिट होगी वो सिग्मा की यूनिट के इक्वल होगी, यानी ई और सिग्मा की यूनिट सेम होगी। अब सिग्मा की यूनिट हम जानते हैं, स्ट्रेस की यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यानी फोर्स अपॉन एरिया के इक्वल होती है इसकी यूनिट। फोर्स अपॉन एरिया के जो यूनिट आएगी वो स्ट्रेस की यूनिट होती है, सिमिलरली वही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट होगी। अब आप इसमें ग्राफ से देखेंगे, किसी पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट है, अगर उस पॉइंट पर वाई एक्सिस पर स्ट्रेस सिग्मा है और एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है वो एप्सिलॉन है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई होगा। टेन थीटा इज इक्वल टू ये वाली लेंथ होगी, ये सिग्मा होगी, और ये वाली जो लेंथ होगी ये एप्सिलॉन होगी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यानी कि जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विद इन द इलास्टिक लिमिट के अंदर जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी जो स्लोप होती है, स्लोप यानी जो एंगल हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाता है, यानी स्ट्रेन एक्सिस से जो उसने एंगल थीटा बनाया वो थीटा के टेन थीटा के इक्वल होती है। अगर थीटा बहुत स्मॉल है
तो टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो ई इज इक्वल टू टेन थीटा, अगर थीटा स्मॉल है तो, अगर थीटा बहुत ही स्मॉल है तो टेन थीटा थीटा के बराबर होगा, और अगर थीटा बहुत ज़्यादा है तो टेन थीटा टेन, ये थीटा अगर 90 को अप्रोच करता है यानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये कर्व जो थीटा है वो वैल्यू बढ़ के लगभग स्ट्रेस एक्सिस पे आ जाएगी, यानी कि थीटा की वैल्यू लगभग लगभग 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। तो साइन 90 इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है, और कॉस 90 इज इक्वल टू 0 होता है, तो 1/0। तो जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी कि अगर थीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो मटेरियल बहुत स्ट्रांग होगा, अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम है तो मटेरियल बहुत वीक होगा, क्योंकि जो स्ट्रेंथ होती है मटेरियल की, जो स्ट्रेंथ होती है यानी उसकी जो इंटरनल स्ट्रेंथ होती है वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के प्रोपोर्शनल होती है, यानी ई की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ई की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो स्ट्रेंथ हमेशा उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जांपल से और समझते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि एक स्टील की रॉड है जिसकी लेंथ है 2 मीटर्स, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 0.5 मीटर बाई 0.5 मीटर, यानी विड्थ 0.5 मीटर और डेप्थ भी 0.5 मीटर है, और रॉड की जो लेंथ है वो 2 मीटर है। इसमें 100 किलो न्यूटन का टेंसाइल फोर्स है वो अप्लाई किया है हमने, ठीक है। तो अब इसमें जो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना है 100 किलो न्यूटन अपॉन एरिया है 0.5 मीटर इंटू 0.5 मीटर। तो हम कैलकुलेटर का यूज़ करके देखेंगे, तो 100 अपॉन 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 इक्वल टू 400 और यूनिट होगी इसके किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट्स फाइन। नाउ अब मैंने बोला स्टील, तो स्टील के लिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E इज इक्वल टू 2×10⁵ न्यूटन पर mm², ठीक है। तो इसको 400 को न्यूटन पर mm² में कन्वर्ट करते हैं, 400 × kN को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे 1000 upon mm², तो 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, तो 1000 का स्क्वायर तो न्यूटन पर mm², ठीक है। तो ये हो जाएगा 400 × 100/1000² ठीक है, ये हो जाएगा 1/25 न्यूटन पर mm², ठीक है। अब इसमें स्ट्रेन हुक्स लॉ से अपन जानते हैं, एज पर हुक्स लॉ सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई, तो सिग्मा की वैल्यू रखेंगे हम 1/25 × 1/2×10⁵ इज इक्वल टू, इसमें आप देख लो 1/25 × 2×10⁵, तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं इज इक्वल टू 2×10⁻¹। तो स्ट्रेन ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, कोई यूनिट नहीं होगी। अगर डिफॉर्मेशन देखेंगे तो स्ट्रेन इज इक्वल टू Δl/L या Δl इज इक्वल टू εl × L, εl 2×10⁻¹ इंटू एल कितनी है 2 मीटर, अब मीटर इसको mm में कन्वर्ट कर लेते हैं 1000, तो ये बनेगा 2×10⁻¹ × 2×1000, यानी कि 4×10⁻⁴ mm, जो होगा 0.0004 mm, ठीक है। तो आई होप आपको एग्जांपल से हुक्स लॉ और थोड़ा स्ट्रेस और स्ट्रेन कॉन्सेप्ट भी समझ में आए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरीके से समझते रहेंगे। थैंक यू।